ये क्या है, इतने सारे जूते? हाँ, घर से गिने चुने लाई हूँ। ये गिने चुने? पैर दो, जूते बचा। ए तू सुन, इस घर में या तो जूतों को रख लो या तुम रह लो, तुम दोनों नहीं रह सकते। जानती हूँ मैं, इस घर में कुछ रखने की जगह है ही कहाँ। जज को तो बड़े पैसे दिखा रहे थे, एक अच्छा सा घर नहीं खरीद सकते? ढंग के गुंडे भी नहीं हो तुम। इस घर में मेरी आई रहती है, इसलिए रहता है मैं, समझी? हाँ तो तुम्हारी आई के लिए ही ठीक है। मेरे रूम का बाथरूम है ना, पूरे घर से बड़ा है। कुछ भी तो नहीं है, एसी तो क्या, एक पंखा तक नहीं है। ए, तेरी आंखों को बल्ब फ्यूज हो गया है क्या? वो क्या सामने पड़ेला है पंखा? हाँ, मैं भी भूल गई, किसके मुंह लग रही हूँ। हाँ, मेरे को तेरे साथ चिपची करने कोई शौक नहीं, समझी? भेजा फ्राई होता है अपना भी। अरे ओ अंधी तूफान, चुप हो जाओ। एक दूसरे को घुमा घुमा के देना, लेकिन बाद में। अभी क्या है, अभी मेरे को है ना ओटी भरने की रसम करनी है, तो सुन भाई को तैयार करना है ना। सुन, सुन भाई, तुम्हारा ये मर्दों वाला ड्रेस है ना, नहीं चलने वाला। हा? मर्दों वाला? अरे मतलब ये शर्ट पैंट, ये नहीं चलने वाली। क्या है, आज के रसम में ना सासू भाई सुन भाई को साड़ी देती है और वही उसको पहनना पड़ता है। देख, ये साड़ी, जेवर, चूड़ी, ये सब मैं तेरे को दूंगी और ये तेरे को पहनने पड़ेंगे। हाँ, ये ले, ये पहन और फटाफट तैयार हो जा। ये साड़ी मैं पहनूंगी? कभी नहीं। मैं तेरे को पूछ नहीं रही है, मैं तेरे को बता रही है। चल साड़ी पहन और फटाफट तैयार हो जा। ये साड़ी मैं कभी नहीं पहनूंगी, मेरे पास बहुत सी साड़ी है, इसमें से कोई पहन लूंगी मैं। तू यही साड़ी पहनेगी और अभी पहनेगी। अगर ये साड़ी तूने नहीं पहनी ना तो मैं जज साहब को फोन करूंगी और बता दूंगी ये शादी निभाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। फिर सोचना क्या होगा। मतलब आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? तू जानती नहीं है मेरे को, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। चल धीरे धीरे सब समझ में आएगा। चल ले और फटाफट तैयार हो जा, झटपट तैयार होनी है। चल 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 जा। हाँ जा जा। अग भाई ग बोला, ग भाई मजा बोली। कायमा, ओटी भरने की रस्म की तैयारियां हो गई हैं? अग भाई, ये पूछने के लिए तुम इधर आई है? नहीं, मैंने ये सोचा कि हमारे घर पर सारी रस्मों में आपने इतनी मदद की, तो मुझे भी कुछ तो करना चाहिए ना आपके लिए। आप ये रस्म हमारे यहाँ क्यों नहीं कर लेती? मेरा मतलब, समय की कमी की वजह से आपका घर भी नहीं सजा है। मेरा घर तो सजा सजा है, वहीं कर लीजिए। अरे देवा, तुम्हारे घर में? अब मैंने सोचा आप इन दोनों की शादी एक साथ एक मंदिर में हुई, तो ये रस्में भी साथ में हो जाती। क्या है, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें है ना चमत्कारिक लग रही है, पता नहीं चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, ये ईशा के शब्द हैं। हाँ, यही तो ईशा ने कहा है। तो ठीक है, मेरी सुनबाई की ओटी भरने की रसम तुम्हारे घर में हो। ए आई, क्या बोल रही तू? मैं नहीं आएगा उधर। अरे गाड़वा, तेरे को आना भी नहीं है, ये औरतों की रस्म है। ठीक है, देखो जो करने का कर, मैं जा रहा हूं। तो शाम को मिलते हैं हमारे घर पर। ईशा, मुंह दिखाई की रस्म पे घर की बहू को शगुन दिया जाता है, लेकिन ये औरतों की रस्म है, इसलिए मैं वहां तो आ नहीं सकता, अपना शगुन नहीं दे देता। यूरोप की दो टिकट माने और समझ के हनीमून के।
भाई अच्छी जगह है, तुम लोग को अच्छा भी लगेगा और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का टाइम भी मिल जाएगा। जल्दी पैकिंग कर लेना, 2 दिन बाद तुम्हारी फ्लाइट। नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? अरे शादी हो गई है, रस्में हो गई, क्यों नहीं जा सकते? वो क्या है ना, ईशा कल रात को कह रही थी कि उसकी इस घर में पहली दिवाली है और अगर दिवाली में बहू घर पे नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट डैड, मैं भी उसके साथ अग्री करता। ईशा, तुम वाकई घर में रहना चाहती हो? हाँ, छुट्टी पे तो हम बाद में भी जा सकते हैं। इस घर में मेरी पहली दिवाली है तो मुझे यहीं पे रहना चाहिए। ठीक है, टिकट रख लो, आपस में डिसाइड कर लेना और डेट चेंज करवा लेना। अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? रस्मों का वक्त हो गया है, मेहमानों का आने का वक्त हुआ है। चलो चलो, मेहमानों के स्वागत की तैयारी शुरू कर दो, तब तक मैं अपने सुनभाई को लेके आती हूँ। दाइमा, आपकी सुनभाई? अरे ईरा, और कौन? ईरा यहाँ? तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? अरे कोर्ट का ऑर्डर है, कैसे भी करके इस शादी को 6 महीने तक निभाना पड़ेगा। तो मेरी सुनभाई की ओटी भरने की रसम और ईशा की मुंह दिखाई की रसम एक साथ करने का तय हुआ है। एक साथ ही क्यों दाई? ईशा ने कहा था इसीलिए। क्या हुआ समर्थ बेटा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, मैं माजा घरीच करते, मेरी सुनबाई की रसम घर में ही करती हूँ। हाँ चल। नहीं दाइमा, अगर ईशा ने कहा तो फिर वैसे ही होगा। देखा ईशा बेटा, इसे कहते हैं प्यार करने वाला पति। नसीबवान इस गर्ल, पूरी नसीबवान इस। आप लोग तैयारी कीजिए, मैं आता हूँ। ताइमा, मैं समर्थ को ये टिकट दे के आती हूँ। समर्थ, समर्थ प्लीज रुको। समर्थ प्लीज एक बार सुन तो लो कि मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं ईशा, तो फिर क्यों बता रही? हमारे बीच ना कोई सवाल होंगे और ना ही जवाब। याद है कल मैंने तुमसे कहा था शायद हमारे बीच पहले जैसा प्यार ना हो पाए, लेकिन अब तो वो शायद भी नहीं बचा। प्यार तो बहुत दूर की बात है ईशा, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं। क्यों लाई इस घर में? क्योंकि इसी घर में तुम्हारी ओटी भरने की रस्म होने वाली है। क्यों? इस घर में क्यों? देवा रे देवा, एक हमारा जमाना था जहाँ सुनबाई मुंह नीचे करके हाँ ना करती रहती थी, और एक ये जमाना है कुछ भी कह दो, क्यों कैसे कहा। देवा देख, सब चाहते हैं कि दोनों घर की रस्में साथ साथ यहाँ हो जाए। हाँ खुशी का मौका है, ये माथे पर आया हुआ बल हटा दे और सर पर पदर ले ले। क्या? सर पर पल्लू ले लेना ऐसा। हाँ ठीक है। अरे लोगों को भी लगना चाहिए ना, तेरी शादी हो गई। चल चल।
बात तुझे जी भर के देखने लगे। आज के बाद ना तू कभी मुझे देखेगी ना मेरी आवाज सुनेगी। अब किसका इंतजार हो रहा है? चलिए रस्म शुरू करती है। अरे ये रे बाबा ये ही है। अरे यहाँ ना बचकर या सगड़ा या सगड़ा या 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 कौन? अरे मेरी सवालों की दुकान। ये लोगे ना कुछ मेरे रिश्तेदार है, कुछ मेरे दोस्त है और बाकी पड़ोसी है, समझी? Who are these people? कौन है ये लोग? Actually ये मेरी maid servant और उसकी बहू और उसके कुछ relatives हैं। पर ये तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? क्या है ना कि दोनों की शादी एक ही दिन एक ही मंदिर में हुई, तो मैंने सोचा कम से कम सेरेमनी साथ में हो जाए मेरे घर। रेवती तुम भी कमाल हो, चैरिटी और वो भी अपने ही घर में। क्या करें, एक बार चैरिटी करने की आदत पड़ जाए ना तो आसानी से छूटती नहीं। आपको सादा दिन उसके साथ नहीं रहना पड़ेगा। उसे जो करना था उसने कर लिया, अब मेरी बारी है। तो भाई अगदी मेम सारखी दिसते, इतकी सुंदर। सुन भाई कुठून आणलीस ग माझी वहिनी, कहीं मेरी नजर न लग जाए इसको। इधर काम करती है रे ये, अभी देखा नहीं इसको? आस पास के सब भाई लोग को मैं तो जानती है। देखो मैं काम मांग दे तो मेरे को बोलना, मेरा सबके घर में लगा देगी। मैं पुष्पा भाई मेरी सुन भाई, काम नहीं करने वाली। मेरा बेटा काम जो भी करता हो कमाता अच्छा है, मेरी सुन भाई तो सिर्फ घर संभालेगी, समझी? बेटा शगुन को संभाल के रखना।
इरा 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 I'm sorry. तुमको ये सब कुछ कितना बुरा लग रहा है आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड मॉम ईशा को शगुन में 6 लाख मिला है कैश Oh, that's nice. लेकिन बेटा हम क्या करेंगे इस कैश का हमें तो भगवान ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया ये काम क्यों नहीं करते हमें ईशा का ये शगुन ना ईरा को दे देना चाहिए जिस जगह पर ये रहती है ना उस जगह पर इतनी घुटन है कि मैं 5 मिनट नहीं खड़ी हो पाई इतनी गर्मी थी एटलीस्ट इस पैसे से ये वहां पर एसी और फ्रिज तो खरीद लेगी ना बेटा ये लो ईशा की तरफ से प्लीज आंटी मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए ना अभी ना फिर कभी थैंक यू सो मच अरे अरे सुन भाई कहाँ जा रही हो मैं यहाँ से जा रही हूँ आपकी रस्म हो गई ना अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं ये भी ना इरा इरा ऐसे क्यों जा रही क्यों जा रही मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती जो सब कुछ मेरे साथ होना चाहिए वो उसके साथ हो रहा है उसकी झोली में देखकर मेरे दिल को बहुत जलन हो रही है आंटी बेटा आप जो कुछ हो गया सो आंटी जो हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है मुझे पता है मुझे उस कीचड़ में रहना पड़ रहा है उन जाहिल लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन को देखकर मुझे भी बहुत बहुत तकलीफ हो रही है गलती मेरी है मैंने ही सजेस्ट किया था कि तुम दोनों की सेरेमनी एक साथ हो जाए मुझे लगा एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो तुम उस कोठरी से बाहर निकल पाओगी मतलब आंटी आइडिया आपका था देखो बेटा मैंने सिर्फ सजेस्ट किया था लेकिन ईशा तो इस पर अड़ गई जिद करने लगी अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो इस बात पर इतना जिद क्यों कर रही थी ताकि वो तुम्हें अपने सामने नीचा दिखा सके I'm really sorry, मुझे नहीं समझ में आया आंटी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं ये सब कुछ उस ईशा ने किया तो सबसे बात इस तरीके से करती है जैसे दूसरों का भला चाहती हूँ असलियत में उस बात के पीछे उसी का मतलब होता है तो मुझे उसी के साथ रहना है धीरे धीरे उनके सारे गुण निकल कर आएंगे नहीं आंटी अब आपको 7 दिन उसके साथ नहीं रहना पड़ेगा उसे जो करना था उसने कर लिया अब मेरी बारी उसने जो तकलीफ मुझे दी है ना उससे 100 गुना ज्यादा बुरी हालत में उसकी करूंगी देखो सोचना भी मत मेरे करीब आने की चले जाओ यहां से देखो मैं कह देती हूँ रुक जाओ वरना मैं निकल जाऊं ये मेरा कमरा समझी मैं कहीं जाने वाला तुम आगे क्यों बढ़ो देखो मैं कहती हूँ रुचा बन रहे देखो सोच रहा भी मत मेरे करीब आने की चले जाओ यहां से देखो मैं कह देती हूँ रुचा बन रहे मैं तुम्हें चीट कर दूंगी मैं बोल देती हूँ चले जाओ यहाँ से चले जाओ